मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं बहुत दूर ये हिरन मीनार है। इतो लंघन लई कोई पौड़ी छोड़ी नहीं गी, देसी जिया काम है तो मैं चढ़ गया जे। कहानी ये बयान की जाती है कि एक बार शहनशाह हिंद शहजादा सलीम अपने लाओ लश्कर के साथ यहाँ पर शिकारगाह में शिकार खेलने के लिए आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से 1000 साल पहले विर्कगढ़ आबाद था, जो बाद में मुग़ल शहनशाह जहांगीर के दौर में पहले जहांगीर आबाद हुआ और बाद में जहांगीर के निकनेम के हवाले से शेखुपरा हो गया। ये शहर लाहौर से 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया है, जबकि मोटरवे से भी इस शहर तक पहुंचा जा सकता है। सदियों से हिंदुस्तान पर हमला आवरों की ये गुजरगाह रहा। दौर किसी बादशाह का भी हो, शेखुपरा दिफाई हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल रहा, क्योंकि यहाँ से एक रास्ता सांदलबार की तरफ जाता है और सांदलबार का जंगल पुराने वक्तों में हुरियत पसंदों के छुपने की महफूज पनाहगाह था। दुल्ला भट्टी से लेकर राय अहमद खान खरल तक सब आज़ादी पसंद यानी फ्रीडम फाइटर्स सांदलबार में ही आकर छुपते रहे। उन हुरियत पसंदों की सरकोबी के लिए शेखुपरा को अस्करी हवाले से हमेशा अहमियत हासिल रही। अकबर आजम के बाद उसका बेटा शहनशाह जहांगीर हिंदुस्तान का बादशाह बना तो जहांगीर ने शेखुपरा में एक कला और एक वसी और अरीज बाग हिरन मीनार के नाम से तामीर करवाया। तारीख हमें बताती है कि मुग़ल बादशाह जहां जहां हुक्मरानी करते रहे वहाँ अदल व इंसाफ कायम करते, सियाहत का फ़न, दस्तकारी, तामीरात का फ़न तरक्की पाता। हिरन मीनार की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एक बार आदिल बादशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ने इस शिकारगाह से एक हिरन पकड़ा जो नहायत खूबसूरत था। बादशाह सलामत ने उसे अपने शाही पालतू जानवरों में शामिल करने का हुक्म दिया। आदिल बादशाह ने उसका नाम हंस राज रखा। कुछ हवालों में उस हिरन का नाम मानसी राज लिखा गया है। बहुत जल्द ये हिरन जहांगीर की आँख का तारा बन गया। 1607 में यह हिरन किसी बीमारी की वजह से मर गया और उसी की याद में यहाँ पर हिरन मीनार तामीर करवाया गया। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो कारी, मेरे अजीज़ो मैं इफ्तिखार इफी, प्यारे पाकिस्तान के कदीम शहर और बहादुरों दलेरों के शहर शेखुपुरा से। जी हाँ, शेखुपुरा में मौजूद हूँ मैं आज हिरन मीनार पर। शहनशाह जहांगीर उर्फ सलीम उर्फ शेखू, जी हाँ, उन्होंने ये बाग बनवाया था और ये मॉन्यूमेंट जहांगीर के दौर का है। शहनशाह जहांगीर यहाँ शिकार खेलने आते थे, उनकी शिकारगाह थी यहाँ पर, और फिर यहाँ पर उन्होंने एक दिन एक हिरन को देखा। वो हिरन उनको इतना खूबसूरत लगा, इतना अच्छा लगा, दिल को भाग गया, उसको उठाकर वो अपने महल में ले गए शाही किला लाहौर में और उसका नाम रखा मानसी राज। एक और रिवायत के मुताबिक शहनशाह जहांगीर इसी जंगल में शिकार खेल रहे थे कि उनका चलाया हुआ तीर उनके मनपसंद हिरन को जा लगा और वो हिरन मर गया, और बादशाह सलामत ने हिरन की जाए मौत पर एक बुलंदो बाला मीनार तामीर करवाया। शेखुपुरा का ये इलाका कभी घने जंगलों की वजह से हिरनों की आमाजगाह था। उन जंगली हिरनों को पकड़ने या शिकार खेलने के लिए पालतू हिरनों का इस्तेमाल किया जाता था। शहनशाह हिंद शहजादा सलीम अपने लाओ लश्कर के साथ यहाँ पर शिकारगाह में शिकार खेलने के लिए आया और उसके साथ उसका पसंदीदा हिरन भी मौजूद था। और किस्सा कुछ यूँ बयान किया जाता है कि जहांगीर के अपने तीर से उसका पसंदीदा हिरन मारा गया। शहजादा सलीम बहुत अफसरदा हुआ और उसने इस जगह पर जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं यहां पर एक हिरन मीनार तामीर करवाया उसकी याद में, और फिर ये इतना बड़ा मॉन्यूमेंट जो बनाया गया। और फिर ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये एक पीछे एक इमारत है जो कि जिसके चारों तरफ पानी है, तालाब है, और बड़ा खूबसूरत बड़ा हसीन मंज़र पेश करता है। यहाँ लोग आते हैं, सैर करते हैं और इन्जॉय करते हैं, पिकनिक के लिए बड़ी खूबसूरत जगह है। आए मैं आपको दिखाता हूँ वो हिरन मीनार कहाँ तामीर करवाया गया था। इतो लंघन लई कोई पौड़ी छोड़ी नहीं गी, देसी जिया काम है तो मैं चढ़ गया जे। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं बहुत दूर ये हिरन मीनार है और मैं इसको करीब से जाके आपको दिखाता हूँ और फिर इसके बारे में बात करते हैं। हिरन मीनार के अंदर मौजूद सीढ़ियों की तादाद 100 के करीब है। ये घूमती बलखाती सीढ़ियाँ
छत पर जा निकलती हैं। सीढ़ियां चूने के पत्थर से तैयार की गई हैं और मीनार के ऐन सामने एक खूबसूरत तालाब है। तालाब के वस्त में एक हस्त पहलू खूबसूरत हसीन तरीन बारादरी है, जहाँ से खड़े होकर हिरन मीनार का नजारा बहुत दीदाजेब है। शहंशाह जहांगीर के बनाए हुए इस तालाब में या इस झील के अंदर अब कश्तियां चलती हैं और यहाँ पर लोग पिकनिक मनाते हैं। और मेरे पीछे वो देखें, वो सामने है हिरन मीनार जो मैं आपको दिखाने लाया हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ नीचे हिरन मीनार की इंतजामिया ने कुछ हिदायत लिखी है यहाँ पर आने वालों के लिए। यहाँ बोट्स के किराए लिखे हुए, लेकिन ये भी बताया गया कि एक बोट से दूसरे बोट में छलांग मत मारें, उछलना कूदना यहाँ पर नहाना मना है, लाइफ जैकेट्स ज़रूर पहने और वक्त पर अपनी बोट को वापस लें। और वो पीछे मेरे अगर आप देखें, ये है हिरन मीनार, जिस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार हिंदुस्तान में बनाया था जो दिल्ली में है, ये हिरन मीनार है और बड़ा खूबसूरत है। एक बार ये ढह गया था, इसका 20 या 30 फुट का जो ऊपर वाला पोर्शन था जलजले की वजह से ढह गया था, उसको फिर दोबारा कंस्ट्रक्ट किया गया। अब इसके कद में कुछ थोड़ा सा फ़र्क आ गया है और इसको मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ। और कहते हैं कि उस जहांगीर के उस पसंदीदा महबूब हिरन की कब्र इसी के पास है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिरन मीनार के दरवाज़े पर और ये देखें, ये इस वक्त हिरन मीनार के गेट को ताला लगा दिया गया है और ये ताला लगा हुआ दिखाई भी दे रहा है। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने चढ़ के ख़ुदकुशी कर ली थी, तो हुकूमत ने फिर एहतियाती तदबीर के तौर पे यहाँ ताला लगा दिया। और मैं आपको बताऊँ, ये हिरन मीनार जिसके बारे में कहा जाता है हिरन के लिए बनाया गया, यहाँ पर इसके ऊपर चढ़ के ओपी की जाती थी, यानी कि दूर दराज नज़र रखी जाती थी, हरकारे खड़े होते थे और बड़ी तेज़ आंखों वाले, और वो दूर से देखते थे कि कहीं कोई जंगलों के अंदर नकलो हरकत तो नहीं हो रही। और जब कोई लश्कर अटैक के लिए कहीं भी उस दौर में आया करता था तो घोड़ों की टापों से उड़ने वाली मिट्टी का धुआं भी दूर से नज़र आ जाया करता था। ये जो सामने थोड़ा सा उभार आप देख रहे हैं और रेड कलर की छोटी टाइलों का ये जो चबूतरा सा बना हुआ है, कहा जाता है उस हिरन को यहाँ पर दफन किया था। तो अगर आप मेरे पीछे देखें, वो जो झील है उसका वो सामने गेट भी नज़र आ रहा है, वो सामने दूर जो मैंने भी आपको झील दिखाई भी है, और इसको करीब से भी देखते हैं। 10 करोड़ की लागत से इसकी तज़ीनो आराइश का काम जारी है। इस सब्ज़ाज़ार में दीगर जानवरों के साथ साथ 200 से जायद हिरन भी छोड़े जाने का मंसूबा है। 105 एकड़ रकबा को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने के लिए 4 दीवारी बनाई गई है। एशिया के इस सबसे बड़े तालाब में यूरोपियन स्टाइल की लाइटें और फव्वारे नस्ब कर दिए गए हैं। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये इस बिल्डिंग को आम लोगों के लिए बंद कर रखा है और यहाँ हम जा नहीं सकते, लेकिन मैंने कहा ये मैं आपको इसके बीच में दिखाता हूँ। किश्ती बड़ी ज़ोर ज़ोर से हिल रही है, आप देख रहे हैं, और ये पीछे वहाँ सूरज डूब रहा है और मैं कर रहा हूँ सैर उस झील की जो हिरन मीनार में मौजूद है। दोस्तों, ये देखें, इसके बीच में सीढ़ियाँ जा रही हैं और यह सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिरन मीनार में और मैंने आपको सैर कराई हिरन मीनार की। और ये देखिए, ये भी सीढ़ियाँ जाती हैं, तो इसको हम करीब से ऐसे ही देख सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक का दाखिला ममनू है। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, वो हिरन मीनार नज़र आ रहा है, ये उसकी झील है और पिकनिक पॉइंट है, बड़ा खूबसूरत, लाहौर से करीब तरीन है, शेखुपुरा में है। आप यहाँ आ सकते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और एक बड़ा खूबसूरत दिन गुजार सकते हैं हिरन मीनार में। अल्लाह हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।